सा और ये पानी देखिए मेरा जो है, इसको मैंने एक छोटे से जार में प्याज के जो डंठले होते हैं वो डाल के रखते हैं। ये अपर है और ये इसका डोर है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बिना मतलब के हॉर्न बजा रहे लोग, बिना मतलब के नॉइज़ पॉल्यूशन हम लोग हैं। वरना जितनी बार भी मैं आई हूँ इस बीच यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ दिखी है। तो सुबह के अभी 11:30 बज रहे हैं पालिका मार्केट में भी, तो आज सब जगह ही सुनसानी छाई हुई है, पूरा मार्केट खाली। और मैं और भाभी घूमते हैं। लिखना है गोली मारनी है, लिखना भी है गोली मारनी है और चैनल। तो सुबह के समझ रहे 7:30 और मैं आ गई हूँ इस साइड को। सुबह मुझे लगा नोनी का स्कूल है, मैं उसको उठाने के लिए आई थी, बट उसकी आज छुट्टी है, तो उसने मुझे कल शाम को बताया नहीं कि मेरी छुट्टी है करके। तो चले दिखाती हूँ आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह हमारे घर से लेक व्यू, और देखते हैं मौसम के बारे में भी क्या है, मौसम कैसा है। तो फ्रेंड्स प्यारी सी खूबसूरत सुबह और सूर्यदेव और लेक व्यू देखिए खूबसूरत सी। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़ा डालते हैं इन पौधों में पानी, बिल्कुल सूखे हो गए हैं जैसे ये देखिए, बिल्कुल सूखू सा हो गया है, तो इनको पानी डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। और ये पानी देखिए मेरा जो है, इसको मैंने एक छोटे से जार में प्याज के जो डंठले होते हैं वो डाल के रख देती हूँ। तो सर्दियों में अच्छे होते हैं इसका पानी डालना, तो थोड़े से अंदर है थोड़े से बाहर है, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है, इन लोगों में तो पानी चाहिए ही नहीं होता, बिल्कुल कम चाहिए होता है, तो मगर सूखे सूखे से लग रहे हैं। तो डाल देती हूँ थोड़ा सा ये वाला पानी इसमें। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे मेथी के पराठे। तो ये देखिए मेथी का आटा गूंदा है इस तरह से, मेथी को बारीक बारीक काट के इसको आटे के साथ इसमें नमक मसाला मिर्च जो भी आपको डालना है सब डाल के आप मेथी का इस तरह से एक डो लगा सकते हैं, और उसको फिर बेल के जैसे हम रोटियां बनाते हैं उस तरह से बेल के घी या तेल जिससे भी आपको पसंद हो सेक लीजिए, और बनते हैं करारे मज़ेदार से पराठे। तो चलिए हम भी बनाते हैं नाश्ते में पराठे। और इसके सिवा आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करने से ज़्यादा इस तरह से अच्छे लगते हैं जो ये बड़े बड़े उसमें आते हैं ना। तो चलिए जी नाश्ता बनाती हूँ फटाफट, फिर नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म पराठे कुछ इस तरह से बन के तैयार हो चुके हैं, तो आ जाइए सभी लोग नाश्ता करने गर्म गर्म पराठे देखिए कैसे। तो फ्रेंड्स नाश्ते में मेथी के पराठे, गर्मा गर्म चाय, बटर, आंवले का अचार और चटनी लाल मिर्च की। आमा नाश्ता खाते गरम गरम चाय के साथ नाश्ता करते हुए, आमा को खट्टा ना खट्टा है बहुत ही खट्टा होगा। तो नोनी भी तो आया नहीं है, तो मक्खन के साथ खाती हूँ, तमीज से खा ले फिर बोलते मैं किसी जानवर की तरह खा रहा हूँ। खाले खाले चल नहीं कर रही, रिकॉर्ड बंद कर दिया मैंने, कैमरा आपने मेरी तरफ आई है सेल्फी मोड पे। मैं तो यार सही में मान गया आपकी बात यार, मान गया ना खाले चल जानवर की तरह। नोनी की चल रही है छुट्टियां आजकल, ये एग्जाम देने जाएगा सीधे, अब पढ़ेगा तो है नहीं। आज मेरा ऐसा सिनेमैटिक व्यू में फोटो क्लिक कर रहा हूं, मेरे मूवी बन रहा है, मैं ऐड शो कर रहा हूं आपको, लिफ्ट इन ग्रीन भी स्वाद अपने पन का मैंने बनाई है इसलिए अपने पन का स्वाद आ रहा है। कुछ रिकॉर्ड करने को नहीं है तो इसको पकड़ो दिखाओ रिकॉर्ड। चुस्कियां सुनने बैठे चाय की, लिप्टन चाय कर तो इधर, किसकी एक्टिंग करा तो चल के दिखा कैसे चलता है, बता तो किसी की एक्टिंग करके बता रहे कैसे चलता है, पहले तो क्या हट जुटे बता ना खिर के बता चल बता तो ऐसा डालते हो तभी मेरा मजाक बन जाता है। कौन बना तेरा मजाक, किसकी हिम्मत तेरा मजाक बनाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 11:00 हो गए हैं 20 मिनट और मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ। तो आज मैंने पहना है कॉट सेट, ये अपर है और ये इसका लोअर दिखने सॉरी फोन गिर गया था तो दिख नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ बाद में किसी और से शूट करवा के। तो चलिए मौसम बहुत अच्छा बेहतरीन बना हुआ है, तो निकलते हैं मार्केट की तरफ और बने रहिए वीडियो के साथ दिन भर की जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स वंस अगेन स्टेट बैंक वाली रोड, और समय स्टेट बैंक वाली रोड का नज़ारा कुछ इस तरह का, हॉर्न की आवाज़ या हॉर्न की आवाज़ें आ रही बहुत ज़्यादा। ये देखिए बिना मतलब के हॉर्न बजा रहे लोग, बिना मतलब के नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, जबकि ज़रूरत नहीं है इतने हॉर्न बजाने की। तो ये है स्टेट बैंक का नज़ारा। तो चले चलते हैं दुकान की तरफ और मिलते हैं जाके, देखते हैं नीचे कुछ शूट करने का रहा तो इसके बाद।
तो फ्रेंड्स पहुंच चुकी हूँ देखिए पंत पार्क में। सुबह के समय पंत पार्क का नज़ारा, 11:30 बज रहे हैं इस समय और वेडनेसडे है आज, तो बिल्कुल भी कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। सब लोकल वाले जो है ये नाव वाले जो है वो लोग वहाँ पे लूडो खेल रहे हैं। कल के ब्लॉग में मैंने शूट किया था उन लोगों को लूडो खेलते हुए, तो इस तरह का हो रहा है इस समय। और ये देखिए पेड़ बड़े खूबसूरत बिना पत्तों के सुंदर सुंदर से वृक्ष। तो चले चलते हैं थोड़ा सा लेक की साइड पे और देखते हैं वहाँ पे किस तरह का क्राउड है, क्योंकि अमूमन लेक की साइड पे तो क्राउड रहता ही है, अगर यहाँ पे ना भी हो तो लेक साइड पे लोग बोटिंग के लिए जो इकट्ठे हुए होते हैं तो दिख ही जाते हैं, तो लग नहीं रहा है आज। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे देखिए कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो ये बोट स्टैंड है मल्लीताल का बोट हाउस क्लब के पास वाला जो बोट स्टैंड है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी कम लोग हैं, वरना जितनी बार भी मैं आई हूँ इस बीच यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ दिखी है। तो सुबह के अभी 11:30 बज रहे हैं, तो दिन तक शायद हो जाए हल्की फुल्की सी भीड़ भाड़, तो अभी तो बिल्कुल खाली है, कम शमी भीड़ है यहाँ पे। तो कह सकते हैं आप खाली हो चुका है बिल्कुल नैनीताल, जब कल 2 दिन पहले तक टूरिस्ट से गुलजार था, आज खाली खाली सा है। तो एक भी सैलानी पर यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं, तो चले चलते हैं आगे दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्लैट वाला जो पार्किंग है, काफ़ी कम गाड़ियाँ नज़र आ रही इसमें भी, सीज़न टाइमिंग तो बिल्कुल पैक होता है, तो आजकल कम शमसी गाड़ियाँ नज़र आ रही है, फिर भी है। तो इस तरह का हो रहा है अभी यहाँ पे नज़ारा फ्लैट का, और मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त, नीला नीला आसमां खूबसूरत सा। तो देखिए खाली खाली सी पार्किंग और खाली खाली सा नैनीताल, बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा है इस समय सुबह के टाइम पे। और मैं पहुंच चुकी हूँ गुरुद्वारे साहिब, वाहेगुरु जी, तो दर्शन कर लीजिए वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। तो मार्केट का भी नज़ारा आप देख सकते हैं, खाली बिल्कुल सुनसान सी मार्केट दिख रही है इस समय, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो फ्रेंड्स दुकान पहुंच चुकी हूँ और ये धूप बत्ती कर दी है, उतने में आ गया था लेमन टी वाला, फिर मैंने ले ली अपने लिए लेमन टी, तो लेमन टी इंजॉय करते हैं। तो चले, तो फ्रेंड्स दिन के 3 बजे का नज़ारा कुछ इस तरह का है, धूप चली गई है बिल्कुल उधर साइड को और सुनसान सी मार्केट बिल्कुल। तो मैं जाती हूँ थोड़ा आगे तक, आगे बोट स्टैंड जाके आती हूँ, बिल्कुल ही सुनसानी हो रही है यहाँ पे मार्केट में, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा, खाली खाली सी मार्केट आप देख सकते हैं, पूरी मार्केट खाली है, बस सिक्के दुक्के से लोग हैं और काम धंधा है नहीं। तो चाट पार्क भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, खाली खाली है चाट पार्क में, नहीं तो साइड में क्या होता है बिल्कुल बाहर बाहर तक रश होता है, अंदर वो नहीं होती जगह। तो चले चलते हैं थोड़ा आगे बोट स्टैंड की, बोट स्टैंड तो मैं जाके आई थी आज सुबह, कहाँ जाऊँ मुझे खुद नहीं पता, ठंडी रोड में तो ठंड होगी, अभी मैं नहीं जाऊँगी उस साइड को। तो फ्रेंड्स रोज की तरह माता रानी के मंदिर के पास शूट करती हुई मैं, और भाभी यहाँ पे देखिए फिर तिलक लेके आ रही है, मैं आऊँ भाभी मुझे ढूंढ रही तिलक लेके, कहाँ गई है किसकी अब किसी की भी महिला संगीत में घुस जाओगी क्या, चले कैमरा लेके किसी की भी महिला संगीत शादी में घुस जाते हैं, कुछ नहीं होता शादी में घुस जाएंगे किसी की भी। तो फ्रेंड्स इस तरह का भीड़ भाड़ इधर को नजर आ रहा है, यह है टिबेटन मार्केट इस साइड से। तो फ्रेंड्स मंदिर से जब हम लोग राइट साइड को टर्न करते हैं ना, तो यहाँ पे खिलौनों की बहुत बड़ी सी दुकान है, ये आगे भारती की दुकान है और यहाँ पे बुगांदा की दुकान है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत ही मस्त। इनको महिला संगीत में जाने का इतना मन कर रहा है, तो चली जाओ आप जाके, चली जाओ हैं, चलो। तो उसके बाद भाभी मुझे ले जा रही जबरदस्ती कॉफ़ी वाले के पास, तो ये यहाँ पे है पाली का बाज़ार, तो ये पाली का बाज़ार है यहाँ पे, तो मैं शूट करते जाए तो पाली का बाज़ार में भी आपको नहीं दिखेगी, कस्टमर क्या कर रहे हो, रुक तो जाओ, ऐसे नहीं घुमा सकती ना कैमरा फट से। तो ये देखिए पाली का मार्केट में भी, तो आज सब जगह ही सुनसानी छाई हुई है, पूरा मार्केट खाली, और मैं और भाभी घूमते हुए आज पाए गए बहुत दिनों के बाद, और हमारा कॉफ़ी वाला भी नहीं है आज, नहीं है, है दिख तो रहा है मुझे वो लड़का आगे, तो कॉफ़ी वाले भैया मिल गए हमें आज, तो हम लोग बहुत दिनों बाद आए हैं इस साइड को कॉफ़ी पीने, तो चले कॉफ़ी को इंजॉय करते हैं। ये जो कॉफ़ी वाली शॉप है ना, बिल्कुल कॉफ़ी वाला जिनका ठेला लगता है बिल्कुल ठंडी रोड के वहाँ पर लगता है, तो मस्त कॉफ़ी बनाते हैं ये भैया, तो इनसे कॉफ़ी पी सकते हैं आप, जो भी ठंडी रोड जाएं यहाँ पे कॉफ़ी पिए, और यहाँ हमें मिले हैं क्या ली भाई, कुछ बोलेंगे आप, हम क्या बोलें आपके सामने, हम क्या बोल सकते हैं, नहीं हमारे सामने ही बोलना है आपको, पीछे नहीं बोलना, पीठ पीछे नहीं बोलना, जो बोलना सामने ही बोलना है, वही बोलना। थैंक यू जी, थैंक यू कैली, कैली भाई की शॉप यहाँ पे, तो कैली भाई की शॉप से शॉपिंग जरूर करें, तो इनके पियूंगे यहीं पे, हाँ हाँ अभी तो भीड़ थोड़ी होगी, कैमरा लगवाना पड़ेगा मुझे अपने फ़ोन में ताकि मैं बैठे बैठे देख सकूँ। तो यहाँ पे देखिए इनके पास बड़े अच्छे अच्छे सिपर्स दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सिपर्स ही सिपर्स दिख रहे हैं, और पेन ये ऐसे जादूगरों वाले पेन भी है यहाँ पे, तो जिनको जादू टोना करना वो पेन ले सकते हैं इनकी दुकान से। अला ये क्या चीज़ है, ये क्या कह रहे भाई, ये क्या छू,
सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं पूछी थी क्या है क्या है, वो गिरी गया नीचे, टूट जाता तो मेरे सर पड़ जाता खामखा। यूट्यूब से पैसे नहीं आते इतने जितने मेरे को पेन वेन के पैसे चुकाने पड़े। तो ये पेन से क्या कर लिखना है, गोली मारनी है, लिखना भी है गोली मारनी है और रात को भी भाभी वैसे मारती। तो ये अच्छा पेन दे, देखो गन की शेप में पेन है मेरे हाथ से। हाँ वही टूटता फूटता है। चलो अभी कॉफी पी लो, चलो तो कॉफी बन गई है हमारी, तो चले हम चलते हैं कॉफी लेने। तो फ्रेंड्स पालिका में जो ये वाली साइड की मार्केट है ना, ठंडी रोड की साइड जो मार्केट है, यहाँ पे आपको काफ़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे ये जल टाइप का, ये क्या है भैया, ये जल टाइप का जो है, ये स्लाइम। स्लाइम, स्लाइम। अच्छा अभी गंदा सा जो होता है ना, मुझे गंदा सा लगता है, बच्चे तो खेलते हैं इससे, अब नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, इनके पास ही काफ़ी सिपर विपर है, तो इस साइड में आपको ये सब चीज़ें काफ़ी मिल जाएंगी, सिपर वगैरह, पेन, अलग अलग तरह के पेन वगैरह ना, इरेजर, पेन, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी इस साइड में। और इससे आगे को जाके यहाँ पे कपड़ों वपड़ों की भी है, कपड़ों के बाद लास्ट में जब आप ठंडी रोड की तरफ एकदम आएंगे तो बच्चों के लिए बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें गिफ्ट पर्पस के लिए आपको अच्छे अच्छे से सिप्पर्स बॉटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो सुंदर सुंदर से बॉटल्स भी है यहाँ पे। तो देखिए सॉरी सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं गुजरात से, तो आपका नाम कृष्णा। कृष्णा, तो कृष्णा जी की मम्मी आप देखते मेरे ब्लॉग्स ना, आपका नाम बताएं। रुशीना, अच्छा बड़ा सुंदर नाम है। अच्छा नाम है, तो चलिए अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कई साल नहीं मतलब कई महीनों से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसे लगते हैं आपको? पूरा सीजन, अलग अलग सीजन आपकी देखी है मैंने। हाँ जी, हर सीजन का ब्लॉग बना के ना। हाँ जी, चलिए थैंक यू मैम, बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स शाम के बज रहे हैं इस समय 4:15, और इस समय दिख रही काफ़ी थोड़े से मतलब लोग, ये कोई ग्रुप एक आया हुआ है यहाँ पे, ये ग्रुप जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हैं शादी के लिए जा रहे हैं शायद, सज धज की महिलाएं जा रही, देखिए सब सजी धजी सी महिलाएं जा रही हैं यहाँ पे, तो कोई शादी वादी हो रही है यहाँ पे, शायद पार्टी हो रही है। तो आगे जो पार्टी वहाँ पे सेवा उसमें जो लग रही है, कौन सी क्या है वो, धर्मशाला में जो पार्टी हो रही है वहाँ पे जा रही शायद लोग ना, तो कोई रेड साड़ी में, कोई ग्रीन साड़ी में, मुझे लगा कोई ड्रेस कोड है, कोई ब्लू साड़ी में, सब अलग अलग साड़ी में जा रहे हैं, ज़्यादातर रेड में जा रहे हैं, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं लोग। तो चले मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अब कॉफ़ी भी पी के आ गए, घूम के भी आ गए, तो वो ब्लॉग बनाने में नहीं जा पाई, मेरे को जाना था एक्चुअली मॉल रोड की तरफ, तो मैं नहीं जा पाई। तो चले मिलेंगे फिर थोड़ी देर में। तो धूप चली गई है बिल्कुल ऊपर को, क्या हो गया, क्यों 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 लड़ रहे हो, इनका कुछ काम नहीं रहेगा लड़ाई झगड़ा करने के सिवा, आपस में बस लड़ते झगड़ते रहेंगे जब देखो तब। तो चले मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, पता नहीं मैं तो तलाते हुए क्यों बोल रही हो, कहाँ गया, कहाँ, ये देखो इनकी शरारत, देखो इनकी शरारत, इन लोग दिन भर ये लोग यही करते रहते बस, लड़ना झगड़ना शरारत करना, ये देखिए ये चेहरे इनको। तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल खाली हो गया नैनीताल, बिल्कुल भी रश नहीं, अभी दिन के टाइम में बस लोकल थोड़े से क्राउड हल्का फुल्का सा दिख रहा है कहीं से, सुबह के टाइम में तो मतलब बिल्कुल खाली सुनसान था यहाँ पे, एक भी लोग नहीं नजर आ रहे थे यहाँ पे। तो अभी थोड़े बहुत से लोग नजर आने लग गए शाम की 4:15 के आसपास, तो थोड़े बहुत से लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलें मिलेंगे फिर थोड़ी देर में। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम के 5:30 और चचा के चल रहे थे गाने अभी तक, जो कि अभी तक बंद हो गए, तो ये लड़के ना चचा को छेड़ते हुए, तो इनका गाने पे रोक लगा रहे थे ये लड़के लोग, इनको छेड़ रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए इनका गाना चल रहा है यहाँ पे, अब गाना चेंज करते हुए, और लाइटें जल चुकी है पहाड़ों पे, तो उस घर में जो दिवाली की लाइट लगी थी ना वो अभी तक भी लगी हुई है, जो दिख रहा है ना ये वाला एरिया, तो ये दिवाली की लाइटें देखिए अभी तक भी लगाई रखी है, पता नहीं किसका घर है, तो भाई साहब जिसका भी घर है। तो यहाँ पे बज रहा है म्यूज़िक, और मैं चलती हूँ थोड़ा आगे की तरफ। तो इस तरह के भी चहल पहल है शाम के समय में, बहुत कम टूरिस्ट दिख रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, तो रात के 8 हैं इस समय, और बाहर हो रही है काफ़ी ख़तरनाक भयानक सर्दी, और मैं बैठी हूँ दुकान के अंदर, तो टोपा मैंने अभी लगाया, इससे पहले टोपा नहीं लगाया था, बिना टोपे के ही बैठी थी मैं, तो टोपा लगा के कुछ इस तरह से है। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। तो मौसम अच्छा बना हुआ है, दिन के समय में बहुत अच्छी धूप लग रही है पहाड़ों में, अगर प्लेन्स में तो अभी कोहरा तो खैर नहीं आया, मगर धूप बहुत अच्छी लग रही है हमारे पहाड़ों में, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है दिन के समय में, तो शाम के समय में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जा रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं, कल को फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।